कई बार हम सर दर्द या सर्दी खांसी होने पर दवाई लेते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं तो कोई बीमारी होने पर ठीक होने के लिए भी हम दवाई लेते हैं। जैसे ही आपको जो तकलीफ है उसकी टेबलेट लेते हैं, उसकी थोड़ी देर बाद हम उस दर्द या तकलीफ से ठीक होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी दवाई हमारे बॉडी में कैसे काम करती है? कैसे एक पेन किलर लेने से आपका सर दर्द कुछ वक्त में ही ठीक हो जाता है? बचपन से लेके अब तक हम सभी ने बीमार होने पे दवाइयां तो खाई है, पर शायद किसी ने ये बात सोची नहीं होगी कि हमारे बॉडी में दवाई किस तरह असर करती है जिस कारण हम ठीक हो जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं दवाई हमारी बॉडी में कैसे स्टेप टू स्टेप प्रोसेस करती है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। सबसे पहले जैसे आप कोई टेबलेट निगलते हैं तो पहले ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है, उसके बाद दवाई हमारे शरीर चक्र यानी बॉडी साइकिल में रेस की तरह काम करती है। दवाई की जरूरी घातक ऑर्गन्स मॉलिक्यूल्स के जाल में फंस न जाए, इसीलिए टैबलेट तेजी से काम करती है। सबसे पहले टैबलेट के असर होने की प्रोसेस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू होती है। जैसे आप टैबलेट लेते हैं, कुछ ही मिनट्स में टैबलेट आपके पेट के एसिडिक फ्लूइड के साथ मिक्स होने लगती है। इस पे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपने क्रोसिन की टैबलेट ली, निकलने के बाद ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाती है, उसके टैबलेट डिसॉल्व होने की प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू होती है। टैबलेट डिसॉल्व हो जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल करती है, फिर इंटेस्टिनल वॉल के जरिए डिसॉल्व टैबलेट ब्लड वेसल्स में जाती है, उसके बाद टैबलेट की प्रोसेस ब्लड वेसल्स से वेन की तरफ पास होती है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप आता है, टैबलेट वेन्स के थ्रू लिवर में पास होता है। जैसे ही टैबलेट लिवर में पास होता है, ब्लड और टैबलेट के मॉलिक्यूल्स लिवर के ब्लड वेसल से ट्रैवल होके एंजाइम्स टैबलेट के मॉलिक्यूलर को बेअसर करती है। इस प्रोसेस में टैबलेट के कुछ मॉलिक्यूल्स डैमेज हो जाते हैं, उस डैमेज मॉलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स कहते हैं। टैबलेट की प्रोसेस लिवर के सिवा वेन्स के थ्रू बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में भी चालू रहती है। सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड के थ्रू डिसॉल्व टैबलेट हार्ट, किडनीज, ब्रेन, हर एक लिम्ब और ऑर्गन में पहुंचती है। जब आप पेन किलर टैबलेट लेते हैं तब बॉडी से ट्रांसमिट होने वाले पेन सिग्नल्स टैबलेट के असर से ब्लॉक हो जाते हैं। जैसे जैसे टैबलेट का असर बढ़ता जाता है, टैबलेट के मॉलिक्यूल से पेन पूरी तरह ठीक होने लगता है। टैबलेट की पूरी प्रोसेस होके पेन ठीक होने के बाद जो डैमेज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे मेटाबोलाइट्स कहते हैं, वो किडनी में पास होके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। सभी दवाई के बेसिक स्टेप सेम होती है, लेकिन दवाई आपके ऊपर कितनी जल्दी असर करती है उसकी प्रोसेस हर एक दवाई की अलग होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा दवाई हमारे बॉडी में किस तरह प्रोसेस करती है जिस कारण हम कोई बीमारी या पेन से ठीक होते हैं। दवाई बॉडी में प्रोसेस करने की बेसिक स्टेप सेम है, लेकिन कोई भी दवाई इंसान के बॉडी में कितने स्पीड से प्रोसेस करती है वो एज, डाइट, डिजीज, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अब आपके इस वीडियो पे क्या व्यूज है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।